जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी में आप लोगों की जो वैकेंसी निकल के आ रही है हेड कांस्टेबल की ए टू जेड जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। नोटिफिकेशन अभी आप लोगों का वेबसाइट पर नहीं है, मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं आप लोगों को जानकारी दूं। जी आईटीबीपी की तरफ से काफी वैकेंसियां आप लोग की यहां पर निकाली गई। जी हां, स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोग को जानकारी दे रहा हूं, वैकेंसियां निकाली भी गई, उनके फिजिकल चल भी रहे हैं और वैकेंसियां इंक्रीज भी हुई हैं। बिल्कुल, तो आईटीबीपी के द्वारा 2023 में काफी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होंगे। जी हां, फिर चाहे वो हेड कांस्टेबल एजुकेशन की रही हो या फिर आप लोगों की कांस्टेबल हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन ट्रेड्समैन की वैकेंसी रही हो, मोटर मैकेनिक की वैकेंसी रही हो, एएसआई की वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रही हो, एचसीएम की वैकेंसी, कांस्टेबल पाइनर की वैकेंसी और हॉट कांस्टेबल वेटनरी की आप लोगों की वैकेंसी, वैकेंसियां बहुत ही निकाली जा रही है आईटीबीपी की तरफ से। वैकेंसियां इंक्रीज भी हुई और न्यू वैकेंसी भी यहां पे निकाली गई आप लोग की। ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलेगी, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहां आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यहां पे मैंने आप लोग को भर्ती से रिलेटेड जानकारी दी है। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई ए टू जेड जानकारी आप लोग यहां पे ले लेंगे, सिलेबस वगैरह की जानकारी। और नीचे आने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जोड़िए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को समय से पहले प्रोवाइड हो सके। तो शॉर्ट नोटिस अभी आया, फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का जो है आप लोग का नोटिस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी वैकेंसी है, वैकेंसियां और भी आप लोग को देखने को मिलने वाली। जी हाँ, रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की आप लोग की वैकेंसी निकल के आई, जो कि आप लोग की आईटीबीपी में है। जी आईटीबीपी में है आप लोग की इंडियन फीमेल सिटीजन टू फील ऑफ सिटीजन कांस्टेबल मिडवाइफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए, यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की ग्रुप सी की आप लोग की वैकेंसी है, गस्टेड नॉन गस्टेड, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे लेवल सिक्स की सैलरी 25,500 से 81,100 आप लोग की सैलरी रहने वाली, 7 CPC आप लोग की लगने वाली है। तो किसी प्रकार की टेंशन ना ले, मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है नहीं भाई, है या नहीं, मेल कैंडिडेट की प्रीवियस में काफी वैकेंसियां हेड कांस्टेबल की निकल चुकी है। जी हाँ, काफी वैकेंसी, फिर चाहे वो टेली कम्युनिकेशन की हो, मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी और वैकेंसियां इंक्रीज हुई है, तो आप लोग को तैयारी करनी चाहिए। रिक्रूटमेंट की जानकारी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिडवाइफ की वैकेंसी 81 वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और वैकेंसियां देखिए इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे लिखी गई है, वैकेंसियां इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। देखिए डिक्रीज होने के चांसेस तो बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे कि आप लोग को प्रीवियस नोटिस के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को जानकारी दी कितनी कितनी वैकेंसियां आप लोगों की बढ़ गई हैं। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आने वाले समय में और भी कई जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। तो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, देखिए बिल्कुल क्लियर कर दो। और फीमेल कैंडिडेट वालों की फीस नहीं लगती है, आप लोग को पता होना चाहिए। जी हाँ, फीमेल जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, किसी से भी हैं, आप लोग को यहाँ पे फीस नहीं पे करनी है। और आईटीबीपी के पास राइट्स हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह चेंज कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है, कैंसिल कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होता है तो आईटीबीपी जो है वैकेंसियां कैंसिल पोस्टपोन वगैरह कर सकता है, सभी राइट्स आईटीबीपी के पास हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए, देखिए एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेड कांस्टेबल की जो ये वैकेंसी निकल के आ रही है आप लोग की मिडवाइफ की, जो कि फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, यहाँ पे 18 से 25 साल आप लोग की एज है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। जनरल ओबीसी वालों को 3 साल का यानी कि 18 से 28 और एससी एसटी वाले यहाँ पे 18 से 30 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो आप लोग की काउंट होगी, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की जो आप लोग की लास्ट डेट है 8 जुलाई 2023 रहने वाली, तो 8 जुलाई 2023 को आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होने वाली है, ठीक है। तो फॉर्म आप लोग के यहाँ पे मीन्स लास्ट डेट आप लोग की 8 जुलाई 2023 है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। और यहाँ पे एजुकेशन की जानकारी दी जाए तो देखिए हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, बिल्कुल ध्यान रखिए 10th क्लास पास आप लोग यहाँ पे होने ही चाहिए, और आप लोगों ने कर रखा हो एक्चुअली नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स, या मिडवाइफ नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगी 10th के साथ साथ। और साथ में आप लोग के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए आप नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नर्सिंग काउंसिल में आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, और मिडवाइफ का कोर्स किया है और 10th क्लास पास है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। इससे बढ़िया और सुनहरा मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। 81 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसकी भी वैकेंसी आने वाले समय में आप लोग को बढ़ेंगी, तो मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। ऑनलाइन आप लोग के अप्लाई होंगे जो कि आप लोग को recruitment.itbp.nic की वेबसाइट से ही होने वाले हैं। जी आई जो मैंने आप लोग को लिंक दिया हुआ यहाँ पे,
इसमें आप लोग देखेंगे यही है, यहीं से आप लोग के यहाँ पे लॉगिन होंगे और यहीं से आप लोग के फॉर्म अप्लाई होंगे। सारी जानकारी मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए, और इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक दिया वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग उससे जरूर जुड़िए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप लोग को समय से पहले दी जा सके। तो और इसके अलावा आप लोगों को कुछ बताया गया है, ऑनलाइन अप्लाई होंगे ठीक है, और इसमें एडवाइस टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप लोग को रिक्रूटमेंट ITBP की वेबसाइट पे आप लोगों को डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, उससे पहले ही मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। चलिए इसमें आप लोगों को बताया गया है एडमिट कार्ड आप लोग के ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन ही आप लोगों का जो सभी एडमिट कार्ड आप लोगों के ऑनलाइन आने वाले, तो ईमेल आईडी फोन नंबर वगैरह आप लोग देंगे, वो फोन नंबर ईमेल आईडी वगैरह आप लोग का सही होना चाहिए। मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा और आप लोग का जो है ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आप लोग के डाउनलोड होंगे। चलिए इसके अलावा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ITBP हेड कांस्टेबल मिड वाइफ के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आप लोग को फिजिकल सबसे पहले होने वाला PET PST, सबसे पहले PET PST क्लियर करने के बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, ये क्लियर करने के बाद आप लोग को मेडिकल होगा। मेडिकल में आप लोग का यदि किसी प्रकार का कोई पॉइंट पाया जाता है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट मिलता है किसी चीज में, तो आप लोग को रिव्यू मेडिकल के लिए भी यहाँ पे यदि आप लोग अप्लाई करते हैं तो RME भी आप लोग का होने वाला है। तो क्लियर है सबसे पहले फिजिकल, फिजिकल के बाद आप लोग का रिटर्न, रिटर्न के बाद ट्रेड इम्पोर्टेंट है ठीक है। और 9 जून 2023 से आप लोग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जो कि आप लोग की 8 जुलाई 2023 तक फॉर्म अप्लाई होने वाले। इसके अलावा PET PST की जानकारी आप लोग को दी जाए तो वेबसाइट से आकर के आप लोग यहाँ पे PET PST की जानकारी भी ले सकते हैं। जी हाँ, फीमेल कैंडिडेट आप लोगों का फिजिकल कितना होना चाहिए, PET PST जो अभी तक जो जानकारी है वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, और आने वाले समय में फुल नोटिफिकेशन में आप लोगों को पूरी डिटेल मिलेगी। चलिए इसके अलावा आप लोग देखेंगे जनरल ओबीसी SC से हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, और इसी प्रकार से यदि आप लोग ST कैंडिडेट हैं और हाइट आप लोग की यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के ही बारे में हो रहा, फीमेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकती है, तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और गरवाली कुमारी गोरखा डोगरा मराठा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, स्टेट ऑफ सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम हिमाचल प्रदेश काश्मीर लेह लद्दाख रीजन से, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट, और चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है फीमेल कैंडिडेट का। तो PST की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। फर्स्ट स्टेज आप लोग का जो है स्टेप आप लोग का यही है, फिजिकल ही है। PET में आप लोग की देखिए रनिंग भी होगी, लॉन्ग जंप भी होगी, हाई जंप भी होगी, ITBP में ये चीजें होती हैं। जी हाँ, रनिंग भी होती है, लॉन्ग जंप भी होती है, हाई जंप भी होती है, लेकिन कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। रनिंग आप लोग की 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा, और यदि आप लोग लॉन्ग जंप है आप लोग का तो 9 फीट यहाँ पे 3 चांस आप लोग को मिलने वाले। इसी प्रकार से हाई जंप भी आप लोग की होगी जो कि 3 फट की होगी और 3 चांस आप लोग को मिलेंगे। तो ये आप लोग का PET PST फर्स्ट स्टेप है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग का यहाँ पे हो सकता है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक है, और यदि नहीं होता है तो फिर आप लोग का ट्रेड के समय आप लोग का मेडिकल होगा, यानी कि प्रैक्टिकल के समय आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये PET PST सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, मेडिकल, मेडिकल और फाइनल सिलेक्शन। तो वैकेंसी अच्छी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। यदि आप लोग 10th क्लास पास हैं और आप लोगों ने यहाँ पे नर्सिंग में काउंसिल में आप लोग रजिस्टर्ड हैं और आप लोगों ने ANM कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो इसके अलावा कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पर लेकूंगा। यदि चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन जरूर दबाइए, इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोगों तक। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।